हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में A4 पेपर साइज को डिफॉल्ट कैसे सेट करते हैं। यानी कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, जो पेपर की जो साइज होगी वो A4 में ही ओपन होगी। ठीक है, बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमको जाना है ऊपर के रिबन में लेआउट टैब में। ये रहा लेआउट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको नीचे लेफ्ट हैंड साइड में साइज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसके ड्रॉपडाउन पर क्लिक करिए और सबसे नीचे आपको मिलता है मोर पेपर साइज। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, बीच वाले सेक्शन में यानी कि पेपर पे क्लिक करना है। यहाँ से पेपर साइज आपको A4 सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सेट कर रखी है, इसलिए A4 दिखा रहा है। अगर नहीं यहाँ पर दिखा रहा हो तो इस ड्रॉपडाउन पर क्लिक करिए और यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे देखिए, सेट एज ए डिफॉल्ट का ऑप्शन है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता भी रहा है, डू यू वॉन्ट टू चेंज द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर योर पे सेटअप। यहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है, अब ये एज ए डिफॉल्ट सेट हो चुका है। अब जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो पेपर की जो साइज होगी वो A4 में ही ओपन होगी। ठीक है।